हेलो फ्रेंड्स, हम 3 ईयर बेबी के लिए डिजाइनर रूम वाले घेरे वाला फ्रॉक कटिंग स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया 1.5 मीटर कपड़ा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमने सबसे पहले हम बैक वाला बॉडी वाला पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया 2 कट पीस। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम 2 फोल्ड करने के बाद हम फोल्ड वाले साइड में 1 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच यहाँ पर लगाएंगे और ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। फ्रेंड्स ये हमारा फ्रेंड वाला पार्ट है, ये लाइन सीधा करने के बाद फ्रेंड्स ये बैक वाला पार्ट हम इस तरह से 2 फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से हम लाइन के ऊपर बराबर रखेंगे, लाइन के बराबर। तो ये हम ऊपर जो हम कपड़ा रखे बैग वाला, इसके हिसाब से हम मार्जिन लेंगे सब। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ऊपर साइड हम लकीर लगा के सीधा कर देंगे। इसके बॉडी का हम नमाई लेंगे 10 इंच, 10 इंच का एक और निशान लगाएंगे, फिर ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। फ्रेंड्स शोल्डर का चौड़ा लेंगे 4 इंच। यहाँ से हम आर्मर का लंबाई लेंगे 3 इंच और यहाँ से हम चेस्ट लेंगे 6 इंच और यहाँ से कमर का निशान लेंगे 5.5 इंच और ये लाइन को सीधा कर देंगे इस तरह से। फिर नीचे से हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और इसे हम हल्का सा बॉडी राउंड शेप देंगे नीचे से और यहाँ से हम आर्मर का इस तरह से हम गोलाई देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा कट हो गया, ये वाला बड़े वाला पार्ट है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा निशान लगा है 1 इंच, इसमें हम कट लगा लेंगे, ये नीचे साइड भी कट लगा देंगे। तो फिर इसे हम साइड करते हैं। हम बैग वाला जो पार्ट है इसके बराबर हम बैग और बॉडी के लिए 2 अस्तर कट करेंगे। इसके बराबर हम 2 अस्तर का इस तरह से कपड़ा हम फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर से एक और कपड़ा अस्तर रख कर। ये हमारा बैग वाला पार्ट है, इसके बराबर हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा अस्तर बैग के बराबर कट कर तैयार है। तो हम एक वाला हम साइड कर देते हैं, एक हम गले का निशान लगाएंगे, लंबाई लेंगे 2 इंच और चौड़ाई लेंगे 2 इंच। इसे से हम इस तरह से हल्का सा भी शेप लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा गला कट कर तैयार है। तो अब हम शोल्डर वाला पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए हम 1.5 इंच चौड़ाई लेंगे, एक और 1.5 इंच कट छुड़ा देंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। तो फिर पट्टी का नंबर लेंगे हम 5 इंच। तो इस तरह कटिंग कर देते हैं, इस तरह से हम सेंटर से कट कर देंगे। तो फिर ये हमारा इस तरह से शोल्डर वाला पट्टी हो गया रेडी कटिंग। तो फ्रेंड्स ये हमारा बॉडी वाला पार्ट कटिंग हो गया, चलिए हम घेरा कट करेंगे अब। तो फ्रेंड्स ये हमारा घेरे वाला कपड़ा है। तो हम सबसे पहले इस तरह से 1 फोल्ड करेंगे, इस तरह से 1 फोल्ड करने के बाद 1 फोल्ड हम इस तरह से कर लेंगे और अच्छे से इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम कपड़े को अच्छे से फोल्ड करेंगे। अब हम ये जो कॉर्नर साइड है यहाँ से हम कमर का गोलाई देंगे। सबसे पहले हम घेरे का नंबर लेंगे फोल्ड करने के बाद 14 इंच और यहाँ से भी हम लंबाई लेंगे 14 इंच और यहाँ से भी हम 14 इंच लेंगे और एक और 14 इंच के यहाँ से लेंगे। इस तरह से हम लाइन को सीधा कर लेंगे, ये लाइन को भी सीधा कर लेंगे और हम यहाँ से अब कमर का
गोलाई कट करेंगे, जिसके लिए हम आड़ कोने से 1.5 इंच के निशान लेंगे, एक और 1.5 इंच के निशान लगाएंगे और यहाँ से लगाएंगे। ऐसे हम राउंड शेप लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ से हम कटिंग करेंगे। नीचे वाला पार्ट से कट कर देते इस तरह से, और ये साइड से भी इस तरह से हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड ये हमारा कट के तैयार है। हम अब दिखाता हूँ आपको किस तरह से आपको घेरा सेट करके लगाना है। तो फ्रेंड देखिए, हमें इस तरह से हमें घेरा को फोल्ड करना है। ये कॉर्नर हमें इस तरह फोल्ड करने के बाद 3 कॉर्नर बन जाएगा। तो इस तरह से हमें कट लगा लेना है। ये हमारा बॉडी में अटैच करने के लिए किनारे साइड में जाएगा इसके लिए। और ये वाला जो पार्ट है सामने जो तिरछा है पॉइंट, तो फ्रेंड चलिए फिर स्टिचिंग करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम ये पट्टी को हम 1 इंच चौड़ाई पर रखते हुए हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम 1 इंच चौड़ाई रखते हुए हम फोल्ड करेंगे और दोनों साइड के किनारे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें किनारे में सिलाई लगा लेना है दोनों साइड में। तो फ्रेंड देखिए, हमने दोनों साइड के शोल्डर का पट्टी हम रेडी कर दिए। उसके बाद हम बड़ी बॉडी वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो ये जो लकीर है इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे इसी तरह से, और सीधे वाले साइड से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा लिया। इस तरह से हम सेंटर रखते हुए फोल्ड कर लेंगे अच्छे से और एक सिलाई लगा लेंगे। और नीचे वाले साइड भी हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर रखते हुए। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए हमारा, इसके ऊपर हम एक प्रेस लगा लेंगे बाद में। इस तरह से हम बॉडी ऑफ पल्टी करेंगे ये अस्तर से। तो फिर हम सीधा साइड से इस तरह से हम अस्तर रखेंगे, एक दाब के सिलाई लगाते हुए हम पल्टी करेंगे। इस तरह से हमें फिर डोरी को इसके ऊपर हमें रखते हुए सिलाई लगा लेना है। फ्रेंड जो हमें ये गले का जो सेंटर है हमें पट्टी के बीच बीच हमें लगाना है। एक पॉइंट हमें लगा पॉइंट हम रखेंगे जो पट्टी के हम बीच बीच रखेंगे। और दूसरे वाले साइड भी हम इसी तरह सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड इसे हल्का हल्का हम कट लगा कर इसे हम पल्टी करेंगे। ये लाइन इसे भी हम सीधा कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा है कपड़ा अस्तर से। एक कट हम इस तरह से सेंटर में लगा लेंगे, ठीक है। वैसे पल्टी करके हम सिलाई लगाएंगे एक दाब का। तो फ्रेंड देखिए, हमें पल्टी करने के बाद एक दाब का हमने सिलाई लगा लिए चारों तरफ अच्छे से, और हमने बीच में एक प्रेस कर दिए अच्छे से, पट्टी हमारा सेट हो गया। इसके बाद हम बैग अटैच करेंगे। तो बैग को हमें इसी तरह फिर हमें सिलाई लगा लेना है इस तरह से, कंधे में हमें पट्टी लगाते हुए इस तरह से हम एक दाब का सिलाई लगाते हुए पट्टी बैग में सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड जैसे हमने बैग में हमारा सीधा है, इसे हमने सिर्फ सिलाई लगाते हुए हमें इसे पल्टी करेंगे। इसे हमारा बैग वाला साइड सीधा साइड है, हमें गला नहीं कटिंग कर गला हमें कटिंग नहीं करना है।
तो कर लगा दे। देखिए हमने बैग में भी इस तरह से पल्टी करने के बाद हमें एक सिलाई लगा ली एक दाब में। तो हम दोनों साइड बॉडी का हम के दोनों साइड में हम सिलाई लगा देंगे। तो हमें आधा इंच मार्जिन रखते हुए दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए हमने बॉडी हमारा रेडी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा कर तो जो हमने कट लगाए घेरे में इस तरह से हमें बॉडी का साइड में जाएगा। तो चलिए फिर से हम स्टिचिंग कर देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है हमारा बॉडी का सामने रहेगा। तो चलिए स्टिचिंग कर देते हैं इसे। तो फ्रेंड देखिए हमने घेरे और बॉडी के साथ में अगर स्टिच हो गया है। तो फिर आपको इस तरह से आपको बटन या कुछ आईडी डी इसको लगा लेना है। तो फिर देखिए हमारा फ्रॉक रेडी है। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जो दबाए तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन।